बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिटरमिनेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारे लेक्चर में जो प्रैक्टिकल है, जो हम प्रैक्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, वो डिटरमिनेशन है ऑफ प्लेटलेट काउंट की। आज हम प्लेटलेट काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक होल ब्लड से हम प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं, प्लेटलेट की जो कंसंट्रेशन है उसकी हम एस्टीमेशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर एस्टीमेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन होल ब्लड। देन उस प्रोसीजर की जो रिक्वायरमेंट है कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, या प्लेटलेट काउंट की या प्लेटलेट्स की जो कैलकुलेशन है उसके लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। देन उस प्रोसीजर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। देन उस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम प्लेटलेट की जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं। देन प्लेटलेट की कैलकुलेशन है। देन आफ्टर कैलकुलेशन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिकॉशनरी मेजर्स। देन एट द एंड आई विल टेल यू अबाउट काजेज ऑफ हाई प्लेटलेट काउंट एंड सम काजेज ऑफ लो प्लेटलेट काउंट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एस्टीमेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। लाइक अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड, प्लेटलेट्स कैन आल्सो बी काउंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर एंड डायरेक्ट विजुअल मेथड। दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरह ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ब्लड जो है बेसिकली ब्लड को जब हम फर्दर ब्लड की कंपोजिशन देखते हैं तो ब्लड के जो हैं वो दो पार्ट्स हैं। एक जो है इसका फ्लूइड पार्ट है, एक इसके जो है सेलुलर पार्ट है, या जिसे हम फॉर्म एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो लिक्विड पार्ट जो है उसमें वो प्लाज्मा है जो कि 55% है। देन 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली ब्लड के जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। तो अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरह जो ब्लड में पाए जाते हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स की जो एस्टीमेशन है या कैलकुलेशन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट विजुअल मेथड से भी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर जिसमें जो है बेसिकली ऑटोमेटेड हीमाटोलॉजी एनालाइजर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और थ्रू ऑटोमेटेड हीमाटोलॉजी एनालाइजर जो है एस्टीमेशन की जाती है प्लेटलेट की। बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो भी डिटरमाइन किए जाते हैं। देन उनके साथ ही जो है वो प्लेटलेट काउंट भी जो है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर से काउंट किए जा सकते हैं। देन डायरेक्ट विजुअल मेथड, अगर आपकी जो लैब का जो सेटअप है एक छोटा सेटअप है और आप जो है एक एनालाइजर, एक ऑटोमेटेड CBC एनालाइजर, एक ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर आप अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि बहुत कॉस्टली है, तो देन आप जो है वो डायरेक्ट विजुअल मेथड से आप प्लेटलेट के जो है काउंट करेंगे, प्लेटलेट्स को काउंट करेंगे ब्लड में। देन फर्दर हम डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट विजुअल मेथड इज़ क्वाइट रिलायबल। डायरेक्ट विजुअल मेथड जो है ये रिलायबल है। एंड ऑल एबनॉर्मल प्लेटलेट काउंट विद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर नीड टू बी कन्फर्म बाई दिस मेथड। देन अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर पे लाइक CBC एनालाइजर है उस पर हम अपना जो सैंपल है वो लगाते हैं, और सैंपल में जो है वो प्लेटलेट की जो काउंट है वो लो आता है या काफ़ी हाई आता है, तो फर्दर उसकी जो कन्फर्मेशन है वो हम डायरेक्ट विजुअल मेथड से करते हैं। उसमें हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद हम काउंट करते हैं प्लेटलेट, और फिर उसको जो है वो कंपेयर करते हैं, कोरिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर से या हीमाटोलॉजी एनालाइजर से कि हमारा जो हीमाटोलॉजी एनालाइजर ने जो कैलकुलेशन दी है, तो विजुअल मेथड में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उन दोनों का जो है वो हमने
कंपैरिजन करना है या उन दोनों को कोरिलेट करना है, देन फर्दर जो है वो हमने अपनी जो रिपोर्ट होगी वो फाइनलाइज करनी है। देन मेथड रिकमेंडेड बाय ICSH इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। देन ICSH में जो रिकमेंडेड मेथड है वो डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। देन फर्दर उसको हम डिस्कस करते हैं। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डायल्यूटिंग फ्लूइड 1% अमोनियम ऑक्सलेट इज रिकमेंडेड। देन रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो डायल्यूटिंग फ्लूइड है जो कि 1% अमोनियम ऑक्सलेट है और ये रिकमेंडेड फ्लूइड है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ड्राइड अमोनियम ऑक्सलेट इन 100 ml ग्लास डिस्टिल्ड वाटर। देन इसको प्रिपेयर करने के लिए हम 1 ग्राम जो है वो ड्राइड अमोनियम ऑक्सलेट जो कि पाउडर फॉर्म में होगा वो हम लेंगे और उसे ऐड करेंगे 100 ml ग्लास डिस्टिल वाटर में। उसमें 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और ये 1% अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा जो कि एक्ट करेगा एज डाइल्यूटिंग फ्लूइड। देन सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड। देन इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे थ्रू माइक्रो पोर फिल्टर। एक माइक्रो पोर पेपर जो है वो हम लेंगे या फिल्टर लेंगे जिसकी जो जो पोर का जो साइज़ होगा वो 0.22 माइक्रोमीटर होगा। तो उससे जो है वो हमने अपना सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर करना है एंड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। देन इसको फर्दर जो है वो हमने एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देना है और ये हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड है 1% अमोनियम ऑक्सलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड। देन सेकेंड नंबर पे इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर। इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर लास्ट टाइम आपको डिटेल में मैंने बताया था इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर के बारे में जो कि एक सेल काउंटर है और जिसमें हम रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और फर्दर वाइट ब्लड सेल्स में ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स की हम जो है कैलकुलेशन करते हैं, उसकी एस्टीमेशन करते हैं विद कवर स्लिप। इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर चाहिए होगा विद कवर स्लिप, कवर स्लिप के साथ। देन WBC डाइल्यूटिंग पाइपेट 0.1 ml एंड 1.9 ml ऑटोमेटिक पाइपेट। तो इसमें जो है वो WBC डाइल्यूटिंग पाइपेट चाहिए होगी। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो 0.1 ml एंड 1.9 ml जो है वो ऑटोमेटिक पाइपेट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं और उनको एडजस्ट कर सकते हैं। देन टेस्ट ट्यूब, फोर्थ नंबर पे हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी। देन मोइस्ट चैम्बर और अ पेट्री डिश विद मोइस्ट कॉटन और टिश्यू पेपर। देन मोइस्ट चैम्बर हमें चाहिए होगा और पेट्री डिश चाहिए होगी विद मोइस्ट कॉटन जिसपे जो है वो हम मोइस्ट कॉटन रख सकें और टिश्यू पेपर जो है वो रख सकें। देन प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप जो है मेक 1 in 20 डाइल्यूशन ऑफ होल ब्लड सैंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइल्यूशन बनाएंगे होल ब्लड सैंपल की। होल ब्लड सैंपल जो है वो ड्रा किया जाएगा पेशेंट से। देन पेशेंट से ड्रा करने के बाद आपने उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करना, बल्कि विदाउट सेंट्रीफ्यूगेशन आपने सैंपल लेना है और फर्दर उसकी जो है वो आपने डाइल्यूशन बनानी है 1 in 20 डाइल्यूशन। इफ WBC पाइपेट इज यूज्ड, अगर इसमें आप सैंपल को पिक करने के लिए WBC पाइपेट यूज़ करते हैं देन डाइल्यूशन इज मेड एज इन TLC। तो इसमें जो डाइल्यूशन होगी तो वो सेम उसी तरह से आप बनाएंगे जैसे TLC के लिए हमने लास्ट हमारा जो प्रैक्टिकल था टोटल लिकोसाइट काउंट हमने वो डिस्कस किया था। तो उसके लिए जो डाइल्यूशन हम बनाएंगे वही सेम डाइल्यूशन हम प्लेटलेट काउंट के इस प्रोसीजर में हम बनाएंगे। अदरवाइज मिक्स अगर आपके पास WBC पाइपेट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो इसमें आपने मिक्स करना है 0.1 ml ऑफ वेल मिक्सड EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड। तो आपने वेल मिक्स्ड EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो है जो कि 0.1 ml होगा वो आपने ऐड करना है 1.9 ml ऑफ डाइल्यूएंट। उसे आपने ऐड करना है 1.9 ml डाइल्यूएंट में इन अ सूटेबल टेस्ट ट्यूब, और एक टेस्ट ट्यूब में एक सूटेबल टेस्ट ट्यूब में आपने दोनों को ऐड करना है टू मेक अ 1 in 20 डाइल्यूशन। इससे जो डाइल्यूशन बनेगी या जो सोल्यूशन बनेगा वो 1 in 20 डाइल्यूशन होगी एंड मिक्स वेल। देन इनको ऐड करने के बाद आपने अच्छे से जो है उसको मिक्स करना है। तो ये हमारा स्टेप 1 था। देन हम प्रोसीड करते हैं स्टेप 2 की तरफ। देन फिक्स अ कवर स्लिप ऑन अ क्लीन न्यूबर चैम्बर। देन सेकंड स्टेप में हमने न्यूबर चैम्बर जो है उसको हमने चार्ज करना है।
चार्ज करने के लिए फिक्स अ कवर स्लिप ऑन न्यूबर चैम्बर एंड चार्ज द चैम्बर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कवर स्लिप जो है उसके ऊपर रखनी है न्यूबर चैम्बर पे, देन कवर स्लिप रखने के बाद उसको हमने चार्ज करना है। चार्ज द चैम्बर एज डिस्क्राइब इन डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल काउंट। देन टोटल रेड ब्लड सेल काउंट में जो प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है मैं यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो इसमें जो है वो आपने एक साइड से न्यूबर चैम्बर में जो आपने डाइल्यूशन बनाई है 1:20 डाइल्यूशन वो आप लेंगे, और उसका जो है वो आपने एक ड्रॉप ऐड करना है साइड न्यूबर चैम्बर की साइड से। देन चार्ज जब आप वन ड्रॉप ऐड करेंगे तो कैपिलरी एक्शन से जो है वो स्प्रेड करेगा। देन स्प्रेड करने के बाद चार्ज करने के बाद आपने कुछ देर वेट करना है ताकि वो अच्छी तरह जो है वो स्प्रेड कर सके। स्प्रेड करने के बाद स्प्रेड होने के बाद आपने उसके ऊपर जो कवर स्लिप थी कवर स्लिप को साथ ही आपने अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करना है। नाउ प्लेस द काउंटिंग चैम्बर इन मोइस्ट इन अ मोइस्ट चैम्बर। देन फर्दर जो है वो आपने काउंटिंग चैम्बर जो है जो न्यूबर चैम्बर है उसको आपने रखना है इन अ मोइस्ट चैम्बर। फर्दर एक मोइस्ट चैम्बर में आपने उसको प्लेस करना है और अ पैट्री डिश या उसे आपने एक पैट्री डिश में रखना है विथ मोइस्ट कॉटन, जिसमें जो है वो एक मोइस्ट कॉटन हो टू अवॉइड ड्राइंग, ताकि उससे जो है वो ड्राइंग से बचा जा सके फॉर 20 मिनट्स। और ये जो है वो आपने 20 मिनट्स के लिए रखना है सो दैट प्लेटलेट्स गेट सेटल्ड, ताकि उसमें जो प्लेटलेट हैं आपने जो न्यूबर चैम्बर चार्ज किया है तो न्यूबर चैम्बर में जो आपने 1:20 डाइल्यूशन की डाइल्यूशन जो आपने ऐड की थी होल ब्लड की, तो उनमें जो प्लेटलेट जो होंगे प्लेटलेट जो मौजूद होंगे तो वो अच्छी तरह जो है वो सेटल हो सकें, और जिससे जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हो सके। और फर्दर जब हम अंडर माइक्रोस्कोप काउंट करेंगे तो हम हमारे लिए काउंटिंग जो है वो इजी हो और हम एक्यूरेटली जो है वो हम काउंट कर सकें। देन फोर्थ स्टेप प्लेस अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने न्यूबर चैम्बर को उठाना है और माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है एंड काउंट बाय यूजिंग हाई ड्राइव 40x ऑब्जेक्टिव। देन आपने जो है ऑब्जेक्टिव 40x सेलेक्ट करना है। बेसिकली माइक्रोस्कोप पे जो है वो फोर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इंस्टॉल किए हुए होते हैं उसकी नोज पीस पे, जिनमें फर्स्ट जो है वो 4x है, देन 10x है, 40x है, देन 100x है। 40x जो है वो बेसिकली मैग्निफिकेशन पावर को जो है वो शो करती है। तो 40x ऑब्जेक्टिव लेंस पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअल जो साइज होगा उससे जो है वो 40 गुना आपको बड़ा करके जो है वो माइक्रोस्कोप आपको दिखाएगा। तो 40x पे आपने जिसे हम हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं तो उस पे आपने ऑब्जर्व करना है ऑफ ऑर्डिनली लाइट माइक्रोस्कोप, और इसके लिए जो है वो एक ऑर्डिनली लाइट माइक्रोस्कोप में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसके लिए यूज़ की जा सकती है विद कंडेंसर रैक डाउन। और इसमें जो है वो कंडेंसर जो होगा वो रैक डाउन होगा एंड डायाफ्राम सूटेबली नैरोड, और डायाफ्राम को जो है डायाफ्राम को आपने नैरो करना है। ये थोड़ी एडजस्टमेंट है। प्लेटलेट्स आर सीन एज स्मॉल, देन उनमें आपने ऑब्जर्व करना है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स जो है वो स्मॉल होंगे, हाईली रिफ्रेक्टाइल डिस्क और हाईली रिफ्रेक्टाइल डिस्क होंगी। बेसिकली प्लेटलेट्स जो है वो फ्रेगमेंट्स हैं मेगा कैरियोसाइट्स के। प्लेटलेट्स की जब प्रोडक्शन ने डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स जो है वो बेसिकली फ्रेगमेंट्स हैं मेगा कैरियोसाइट्स के, और जो कि ब्लड जो कि आगे जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करते हैं और ब्लड को जो है वो क्लॉट कराते हैं। कहीं पे अगर कोई कट लग जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट पे तो वहाँ पे ब्लीडिंग के ब्लीडिंग को स्टॉप करने में जो है वो प्लेटलेट्स का रोल है। तो प्लेटलेट्स आर सीन एज स्मॉल एंड हाईली रिफ्रेक्टाइल डिस्क, और इनकी जो शेप है वो डिस्क टाइप शेप होगी। देन काउंटिंग प्लेटलेट इन सेंट्रल लार्ज स्क्वायर 1 millimeter इन एरिया। देन आपने काउंट करनी है प्लेटलेट्स को इन लार्ज इन सेंट्रल लार्ज स्क्वायर। तो डिफरेंट स्केयर होंगे आप ऑब्जर्व करेंगे न्यूबर चैम्बर में, तो आपने जो सेंट्रल लार्ज स्क्वायर है 1 millimeter इन एरिया, उसका जो एरिया है वो 1 millimeter है,
तो उसमें आपने प्लेटलेट जो है वो आपने काउंट करने हैं. द टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स काउंटेड शुड बी एटलीस्ट 200. देन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था TLC टोटल लिकोसाइट काउंट. तो टोटल लिकोसाइट काउंट के लिए हमने 100 सेल जो थे, हमारा टारगेट जो था वो 100 सेल्स का था, हमने 100 सेल्स काउंट करने थे. तो प्लेटलेट की जब बात करेंगे, प्लेटलेट काउंट के लिए टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो हमने काउंट करने हैं शुड बी एटलीस्ट 200 जो है वो होने चाहिए, एटलीस्ट 200 होने चाहिए. इससे ज़्यादा भी जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, इवन इफ मोर स्क्वेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन काउंटिंग. तो ये प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर से जो है आपने काउंटिंग करनी है. देन कैलकुलेशंस में प्लेटलेट काउंट पर लीटर, तो प्लेटलेट काउंट पर लीटर जो आपने एस्टिमेशन करनी है, तो इसमें प्लेटलेट काउंट पर लीटर इज इक्वल टू नंबर काउंटेड डाइल्यूशन इनटू 10^9 ओवर वॉल्यूम काउंटेड. तो इस गिवन फार्मूला से जो है वो आपने प्लेटलेट की जो है वो काउंटिंग करनी है, और प्लेटलेट काउंट जो है उसके प्लेटलेट काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा पर लीटर. एक लीटर ब्लड में जितना प्लेटलेट काउंट होगा उसकी आप इस फार्मूला से जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं. देन रेफरेंस रेंज, प्लेटलेट की जो रेफरेंस रेंज है, ऑल एज एंड सेक्स, कोई भी सेक्स चाहे मेल हो फीमेल हो और कोई भी जो है एज ग्रुप के मेंबर हो, तो उनमें जो रेफरेंस रेंज है प्लेटलेट की वो 150 टू 400 इंटू 10^9 सेल्स हैं पर लीटर. 150 इंटू 150 टू 400, इसकी लोअर रेंज है वो 150 है, और जो हायर रेंज है वो 400 इंटू 10^9 सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं पर लीटर. तो एक लीटर में आपका अगर 150 टू 400 इंटू 10^9 जो है वो काउंट आता है, इस रेंज में काउंट आता है, तो ये नॉर्मल रेंज है. अगर 150 इंटू 10^9 से कम आता है, लेस देन 150 आता है पर लीटर, तो ये आप तो इस केस में जो होगा वो प्लेटलेट काउंट जो होगा वो लो होगा. और अगर काउंट जो है वो 400 से अबव जाता है, 400 इंटू 10^9 पर सेल पर लीटर, अगर काउंट जो है इससे मोर देन 400 जाता है, तो इसमें जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो हाई कंसीडर किया जाएगा. देन फर्दर जो कन्फर्मेशन है वो हम स्लाइड मेथड से करेंगे, विजुअल मेथड से जो हमने परफॉर्म कर चुके हैं. CBC एनालाइजर अगर हमें वैल्यू जो है वो 150 से लेस देता है या 400 से अबव देता है, तो इसमें जो है फर्दर हम इस विजुअल मेथड से, इस गिवन फार्मूला से कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं. देन प्रिकॉशंस, देन प्रिकॉशंस हैं, वाटर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूएंट मस्ट बी पार्टिकल फ्री एंड ग्लास डिस्टल्ड. देन डाइल्यूशन के लिए जो आपने वाटर यूज करना है, ग्लास डिस्टल्ड वाटर होना चाहिए. देन वाटर जो यूज होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूएंट मस्ट बी पार्टिकल फ्री, उसमें किसी किस्म का जो है वो पार्टिकल नहीं होना चाहिए. तो आपने क्लीन वाटर यूज करना है, और वाटर को आपने फिल्टर कर लेना है. फिल्टर करने के बाद आपने उस वाटर को जो है वो यूज़ करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूएंट. जो डाइल्यूशन आपने प्रिपेयर करनी है 1:20 डाइल्यूशन, तो उसमें आपने पार्टिकल फ्री और ग्लास डिस्टल वाटर जो है वो आपने यूज़ करना है. देन ग्लासवेयर यूज मस्ट बी क्लीन. तो ग्लासवेयर जो आपने यूज़ करना है उस पर किसी किस्म के स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल जो है वो क्लीन होना चाहिए. देन चैम्बर एंड कवर स्लिप मस्ट बी क्लीन. फर्दर जो है वो चैम्बर जो आपने यूज़ करना है, न्यूबर चैम्बर एंड कवर स्लिप, और उस पर चार्ज करने के बाद जो आपने कवर स्लिप जो आपने अप्लाई करनी है न्यूबर चैम्बर पे, मस्ट बी क्लीन, वो क्लीन होनी चाहिए एंड स्क्रैच फ्री, और उस पर किसी किस्म की स्क्रैचेज नहीं होनी चाहिए. अगर उस पर स्क्रैचेज होंगी तो जब अंडर माइक्रोस्कोप आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो प्लेटलेट को देखना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा. आपको आपका जो एरिया होगा वो क्लियर नहीं होगा, आप क्लियरली सेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे.
देन डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर मस्ट बी केयरफुली फॉलोड, देन प्रोसीजर की जो डिटेल है, जो आपको स्टेप बताए गए हैं, वो आपने केयरफुली फॉलो करना है. एक एक स्टेप को आपने जो आपको स्टेप्स की जो तरतीब बताई गई है तो वो आपने फॉलो करनी है, और जो डिटेल ऑफ द प्रोसीजर है वो आपने फॉलो करना है. देन केयरफुल फिलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द सेल विद इन द चैम्बर, देन आपने जो चैम्बर है न्यूबर चैम्बर उसको आपने उसकी जो फिलिंग है वो केयरफुल फिलिंग आपने करनी है, एंड काउंटिंग ऑफ द सेल, और जो काउंटिंग है वो भी आपने जो है चैम्बर के अंदर जो आप प्लेटेड काउंट करेंगे वो भी केयरफुली आपने काउंट करने हैं. देन सेल काउंट करते हुए आप सेल काउंटर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि सेल जो हैं उनका जो काउंट है उसमें किसी किस्म का जो है वो एरर ना आए. देन केयरफुल मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की जो मिक्सिंग है वो केयरफुली आपने करनी है, एंड एक्यूरेट पाइपेटिंग, फर्दर जो है वो पाइपेटिंग जो है वो आपने एक्यूरेट करनी है, एंड काउंटिंग ऑफ द सेल. तो एट द एंड प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, प्रोसीजर के एंड पे जो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड है एंड एक्यूरेट पाइपेटिंग है, बिफोर बिफोर काउंटिंग, ड्यूरिंग काउंटिंग और आफ्टर काउंटिंग जो है, ये जो स्टेप्स बताए गए हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, एक्यूरेट पाइपेटिंग एंड काउंटिंग ऑफ द सेल, वो आपने अच्छे से करना है, ताकि आपका जो एक्यूरेट प्लेटलेट काउंट है वो आप अचीव कर सकें. देन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट जो है वो लो जाता है, और कुछ कंडीशंस हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट जो है वो काफ़ी हाई आता है. तो इनकी जो है काजेज हम डिस्कस करते हैं. लो प्लेटलेट काउंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. तो लो प्लेटलेट काउंट, जब ब्लड में प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होगा, तो इस कंडीशन को हम थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे. देन थ्रम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो सकता है इन एप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से थ्रम्बोसाइटोपिनिया जो है वो डेवलप हो सकता है. देन फोलेट डेफिशिएंसी अगर बॉडी में जो है फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, देन इससे जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो लो हो सकता है. देन आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली बॉडी में अगर आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए तो उससे भी प्लेटलेट काउंट जो है वो भी लो हो जाएगा, जिसे हम थ्रम्बोसाइटोपिनिया का नाम देंगे. देन वायरल इन्फेक्शन हैं, डिफरेंट टाइप के वायरल इन्फेक्शन हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट जो है वो लो हो जाता है. देन वायरल इन्फेक्शन पे इंक्लूडिंग HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जो कि एड्स काज करता है. तो HIV एड्स में जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें जो है वो प्लेटलेट काउंट जो है वो लो हो जाएगा. देन एब्स्टेन बार वायरस जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस है जो कि वायरल इन्फेक्शन काज करता है, और इसमें भी लो प्लेटलेट काउंट जो है वो ऑब्जर्व करेंगे. देन चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है, जिसमें प्लेटलेट जो है ऐसा पेशेंट जिसमें चिकन पॉक्स डिजीज़ जो है वो डिवेल्प होगी, तो उसमें प्लेटलेट काउंट जो होगा वो लो होगा, जिसे हम थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे. देन एक्सपोजर ऑफ द कीमियोथेरेपी, अगर किसी पेशेंट कैंसर पेशेंट है, तो उसका अगर ट्रीटमेंट, उसको कीमियोथेरेपी दी जाती है, एक्सपोजर होता है उसका कीमियोथेरेपी से, तो उसमें जो है वो प्लेटलेट काउंट लो होगा. देन रेडिएशन हैं और टॉक्सिक केमिकल्स हैं, डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स हैं, रेडिएशन हैं, जिनसे जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल से लो हो सकता है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया जो है वो डेवलप हो सकती है. देन कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल, अगर अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, अल्कोहल इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो है थ्रम्बोसाइटोपिनिया जो है वो डेवलप हो सकती है. देन सिरोसिस बेसिकली जो है लीवर सेल्स की ब्रेकडाउन है, जिसमें जो है वो फ्लूइड एक्युमुलेशन भी जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है, तो सिरोसिस में भी जो है वो थ्रम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो सकता है. देन लो प्लेटलेट काउंट में फर्दर जो है एनीमिया है, ब्लड लॉस है, एनीमिया, लो ब्लड सेल काउंट है, जिसमें एनीमिया, जिसमें जो है बेसिकली ब्लड सेल काउंट जो है वो लो हो जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में भी जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो लो होगा. देन ब्लड लॉस है, ब्लड लॉस में
अगर ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, जिससे जो है ब्लड लॉस हो जाता है, उसमें भी जो प्लेटलेट काउंट है वो लो होगा। देन कैंसर, कैंसर में भी कीमियोथेरेपी है, क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया है, डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकीमियाज हैं जिनमें जो है प्लेटलेट काउंट जो होगा वो लो होगा। देन इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हमने डिस्कस किए, वायरल इन्फेक्शन हैं लाइक चिकन पॉक्स है, एब्सटेंट बायर वायरस है, HIV है, जिनमें प्लेटलेट काउंट जो है वो लो हो जाता है। तो ये आज का लेक्चर था, आज के लेक्चर में हमने प्लेटलेट्स को डिस्कस किया, प्लेटलेट काउंट को बेसिकली हमने डिस्कस किया। प्लेटलेट काउंट के लिए जो थे हम ऑटोमेटेड एनालाइजर से भी हम प्लेटलेट काउंट जो है वो हम कर सकते हैं। देन प्लेटलेट काउंट की जो प्लेटलेट काउंट जो है वो हम मैनुअल मेथड से, जो कि मोस्ट ज़्यादा रिलायबल है, से भी हम प्लेटलेट जो है वो काउंट कर सकते हैं। और उसका जो फर्दर प्रोसीजर था वो हमने डिस्कस किया कि न्यूबर चैम्बर में किस तरह से हम प्लेटलेट की जो प्लेटलेट काउंट जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, अगर फर्दर आपकी कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।